सीएम योगी की अध्यक्षता में राजधानी लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक हुई। बैठक में उपचुनावों को लेकर रणनीति तैयार की गई। कयास तो ये भी लगाया जा रहा है कि यूपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर भी मंथन हुआ। बैठक में संगठन मंत्री सुनील बंसल, यूपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे समेत पार्टी के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर आपको ललितपुर से बता दें, लेखपाल की दबंगई से ग्रामीण परेशान है। ग्रामीणों ने लेखपाल के तबादले की गुहार लगाई। अवैध वसूली से परेशान ग्रामीणों ने डीएम से इस बात की गुहार लगाई है। ग्रामीणों से जमीन नापने के नाम पर हजारों रुपए लेता है और भूसे के नाम पर बिना रसीद दिए ग्रामीणों से हजारों की वसूली की जाती है। जखारा ब्लॉक के ग्राम कुंडा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और ये बड़ी खबर ललितपुर से, लेखपाल की दबंगई से ग्रामीण जो है ज्यादा परेशान हो गए, जिसके बाद ये मांग की गई कि उसका तुरंत तबादला किया जाए। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर आपको फरुखाबाद से बता दें, जहां पुलिस नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। यातायात नियमों का पालन करने वाली पुलिस धज्जियां उड़ा रही है। एसपी के काफिले में चल रही पुलिस की गाड़ियां नियमों की धज्जियां उड़ाती हुई नजर आई। बगैर सीट बेल्ट लगाए ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। एसपी के ड्राइवर ने भी सीट बेल्ट नहीं बांधी थी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां नियमों की धज्जियां लगातार उड़ाई जा रही है। और आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां एसपी का ये काफिला गुजर रहा था, लेकिन उस काफिले में भी एसपी के ड्राइवर ने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी। ये वही पुलिस है जो हम तमाम लोगों को इस बात के आदेश देती है और साथ ही ये कहती है कि सीट बेल्ट लगाकर चलना चाहिए हमारी सुरक्षा के लिए। लेकिन हम भी आपसे इसी बात की अपील लगातार करते हैं कि सीट बेल्ट जरूर लगाकर चले, ये आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए होता है। नंबर कहाँ है तुम्हारी है? क्यों नंबर के लिए डलवाए? और अब बढ़ते हैं आगे, कानपुर से पनकी थाना क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी से तीन बच्चे लापता हो गए। दिन के 12 बजे से लापता बच्चे देर रात नहीं मिले, जिससे परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया और परेशान परिजनों ने बीच रोड पर बैठकर जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाके में छानबीन की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। आपको बता दें, तीनों बच्चों की उम्र 10 से 12 साल के लगभग की है। फिलहाल पुलिस तलाश कर रही है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सियासत की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से अपने भाई भतीजे पर भरोसा जताया। मायावती के भाई आनंद कुमार को एक बार फिर से पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। मायावती के भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती का भाई भतीजा वार। मायावती ने फिर भाई भतीजे पर जताया भरोसा, भाई आनंद कुमार को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर। सियासत में परिवारवाद का लंबे समय तक विरोध करने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज अपनी परिपाटी बदल ली है। पार्टी में भाई भतीजे को सबसे बड़ा ओहदा देकर उन्होंने साबित कर दिया है कि राजनीति में समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। गठबंधन से पहले मायावती सपा को परिवारवाद के नाम पर घेरती थी, लेकिन आज उन्होंने भी यही किया। मायावती ने भाई आनंद कुमार को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। माननीय आनंद भाई साहब को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया और माननीय आकाश आनंद जी को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। यही दो मेन है, बाकी बहन जी अपना जारी करेंगे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय आनंद। पहले उपचुनाव में मायावती ने गठबंधन से किनारा किया और इसके बाद रविवार को नई रणनीति बनाने के लिए पार्टी पदाधिकारियों की बड़ी बैठक बुलाई और घंटों गहन मंथन के बाद बसपा में बड़े बदलाव किए। मायावती ने उपचुनाव और 2022 विधानसभा चुनाव में पार्टी मजबूत हो, इसके लिए भाई आनंद कुमार को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है।
भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। रामजी गौतम को भी नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी मिली है। दानिश अली को लोकसभा में बसपा नेता सदन की जिम्मेदारी दी है। सतीश चंद्र मिश्रा को राज्यसभा में बसपा का नेता सदन बनाया गया है। गिरीश चंद्र को लोकसभा में मुख्य सचेतक बनाने का फैसला लिया गया है। संगठन में बदलाव के संगठन को मजबूत बनाने के लिए तो संगठन को मजबूत बनाने के लिए तो भाई पूरी व्यवस्था तो किया ही जाता है। संगठन कैसे मजबूत हो और संगठन का मजबूत तो निचली इकाई से मारा होगा, उसके लिए तैयारी हो तो ही चल रहे हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद जी को बनाया गया है तो अभी आप लोगों को बताएंगे। तो मायावती ने साफ कर दिया है कि पार्टी में तो अपनों का ही दखल होगा। इसके साथ ही आकाश आनंद की औपचारिक एंट्री से सवाल ये भी खड़े होने लगे हैं कि क्या मायावती ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। अब आगे चाहे जो हो, लेकिन बसपा में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे को बदलकर परिजन हिताय परिजन सुखाय कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। विक्रम सिंह राठौर, लखनऊ, हिंदी खबर। राज्यपाल राम नाईक ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2019 में आम उत्पादकों को पुरस्कार देकर महोत्सव का समापन किया। इस अवसर पर वन मंत्री दारा सिंह चौहान, प्रमुख सचिव उद्यान अमित मोहन प्रसाद समेत बड़ी संख्या में आम उत्पादक और आम प्रेमी उपस्थित रहे। महोत्सव का आयोजन उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, पर्यटन विभाग और उत्तर प्रदेश राज्य उत्पादन मंडी विभाग के सहयोग से किया गया था। राज्यपाल ने इस अवसर पर आयोजित आम प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। ये उत्तर प्रदेश के राज्य, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बागवानी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार के आम होते हैं, उसमें दशहरी तो सारे दुनिया में मशहूर है, तो उसका उत्पाद बढ़ा है। उसका उत्पाद बढ़ाने के दृष्टि से जो भी आवश्यक बातें हैं करें। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।